नमस्कार, मैं प्रिया। आज 6 मार्च। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप क्रिकेट से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल चक दे क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की सुर्खियों की ओर। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC ने निकाली रिक्तियां। बिहार के लोगों में बढ़ा महंगी गाड़ियों का क्रेज। नियोजित शिक्षकों ने बिहार सरकार को दिया होली से पहले का अल्टीमेटम। बिहार बोर्ड का इंटर का रिजल्ट जल्द ही होगा तैयार। बिहार में नल जल योजना लक्ष्य प्राप्ति के करीब। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC ने निकाली रिक्तियां। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC ने हेडमास्टर बिहार सरकार के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के लिए 6421 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास BEd, BAED, BSc शिक्षा और शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण के साथ कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 28 मार्च 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। बिहार के लोगों में बढ़ा महंगी गाड़ियों का क्रेज। बिहार के लोग भी अब महंगी महंगी गाड़ियों के शौकीन होने लगे हैं। लोगों में महंगी गाड़ियों का क्रेज इतना ज्यादा बढ़ गया है कि कोरोना के कारण ही गाड़ियों की बिक्री में भले ही कमी आई, लेकिन महंगी गाड़ियों की खरीद के कारण सरकार को टैक्स के रूप में भारी भरकम राशि प्राप्त हुई है। 4 साल पहले की तुलना में अभी बिहार में गाड़ियों की बिक्री 2 लाख से कम हो गई है, लेकिन प्रति गाड़ियां सरकार को 1.5 गुना से अधिक टैक्स देने वाली है। साल 2021 की बात करें तो पिछले साल 1,10,000 गाड़ियों की ही बिक्री हुई थी और सरकार को राजस्व के रूप में 1,879 करोड़ की आमदनी हुई, यानी गाड़ियों की बिक्री में 2.21% की कमी आई, पर सरकार के राजस्व में पिछले साल की तुलना में 8.25% की वृद्धि हो गई है, जो कि पिछले साल के मुकाबले अधिक रही। नियोजित शिक्षकों ने बिहार सरकार को दिया होली से पहले का अल्टीमेटम। वेतन भुगतान को लेकर शिक्षक संघ एक बार फिर से अपने आंदोलन को तेज करने वाला है। इसको लेकर सभी नियोजित शिक्षकों ने रणनीति बनाना भी शुरू कर दिया है, जिसके तहत इन सभी शिक्षकों ने कहा है कि हाल ही में पहले से जारी किए गए बकाया सहित नियमित वेतन का भुगतान होली पर्व के पूर्व करने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल सिंह के निर्देश के आलोक में संघ के प्रदेश महासचिव विपिन बिहारी भारती ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव और प्राथमिक शिक्षा निदेशक को इससे संबंधित पत्र लिखा है, जहां उन्होंने साफ किया है कि होली के पहले नियोजित शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं होने पर आंदोलन होगा। बिहार पुलिस का बदलने जा रहा है रूप। आने वाले दिनों में बिहार पुलिस आपको अपने पहले के वर्दी में नजर नहीं आएगी, क्योंकि बिहार पुलिस के वर्दी को बदलने की तैयारी हो रही है। सालाना नियम के अनुसार ही इसकी प्रक्रिया शुरू होने वाली है, क्योंकि बिहार पुलिस में हर साल मौसम अनुरूप वर्दी पहनने का प्रावधान है। इसी के तहत 7 मार्च से बिहार पुलिस की वर्दी बदल जाएगी। पुलिस महानिदेशक बिहार के आदेशानुसार पुलिस महानिरीक्षक की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है कि बिहार पुलिस के अधीन कार्यरत पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों की तरफ से 15 नवंबर से 15 मार्च तक शीतकालीन वर्दी धारण किए जाने के प्रावधान को पुलिस हस्तक नियम 1058 क के तहत एक रूपता बनाए रखने के लिए वर्तमान समय के मौसम में बदलाव को देखते हुए साल 2022 हेतु शिथिल कर 7 मार्च 2022 से ही ग्रीष्मकालीन वर्दी धारण किए जाने का आदेश जारी किया जाता है। RRB NTPC रिजल्ट विवाद को जल्द ही सुलझाएगी सरकार। रेलवे भर्ती बोर्ड की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी परीक्षा में कथित अनियमितता को लेकर अभ्यर्थियों की तरफ से की गई शिकायतों की जांच करने के लिए ही एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति की तरफ से रिपोर्ट सौंपे जाने के एक दिन बाद, यानी कि बीते दिन ही, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि समाधान को जल्द अधिसूचित किया जाना है। इसकी रिपोर्ट की मांग 4 मार्च तक की गई थी, जिसके बाद ही अब उम्मीद है कि छात्रों के विरोध का सकारात्मक परिणाम आने वाला है। बिहार में राजधानी पटना सबसे गर्म। बिहार में अब मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया है, जिसका असर ही दिन में 10 बजे के बाद दिखने लगता है, जब अगर आप सड़कों पर निकलेंगे तो आपको भी तेज धूप का एहसास होगा। वहीं मौसम विभाग की माने तो बिहार में गर्मी का सितम तेजी से बढ़ रहा है। आलम कुछ यूं है कि राजधानी पटना का हाल सबसे ज्यादा बेहाल है। बीते दिन ही राजधानी पटना का तापमान 32 डिग्री के आसपास रहा। 31.4 डिग्री सेल्सियस के साथ पटना प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विज्ञानियों माने तो प्रदेश में पछुआ हवा सतह से 1.5 किलोमीटर ऊपर इसका प्रवाह बना हुआ है, इसके कारण मौसम में बदलाव की स्थिति बनी हुई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने बिहार में धीरे धीरे तापमान में वृद्धि होने की बात कही है। बिहार में शराब की खोज में लगी है ALTF ने।
बिहार में शराब की खोज में लगी एएलटीएफ की डीजीपी ने की सराहना। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन इस कानून को सफल बनाने के लिए बिहार सरकार का खूब पसीना भी बह रहा है, क्योंकि सरकार के इस फैसले से एक तबका तो संतुष्ट है, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो मानने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने में बिहार सरकार दिन रात की मेहनत कर रही है। इसको लेकर ही एंटी टास्क लीकर फोर्स और ब्रज को लगाया गया है। वहीं इनके काम की सराहना पुलिस मुख्यालय निदेशक एसके सिंघल ने भी की, जिसके तहत उन्होंने बताया कि फरवरी में एएलटीएफ ने शराब मामलों में फरार, तस्करी एवं सेवन से जुड़े 4,118 आरोपितों को गिरफ्तार किया है, जबकि ब्रज ने गंभीर कांड के 5,149 वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है। खगड़िया के सनहौली दुर्गा स्थान में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। खगड़िया शहर से सटे सनहौली दुर्गा स्थान में दशकों से मां दुर्गा विराजमान है। श्रद्धालु इसे शक्तिपीठ समझकर पूजा अर्चना करते हैं। इस मंदिर से जुड़ी एक रोचक बात यह है कि 200 वर्ष पूर्व पंचायत के ही एक खेत जोतने के क्रम में मां दुर्गा की मूर्ति मिली थी। मूर्ति को एक ब्राह्मण गोपी ठाकुर ने उठाकर अपने घर के निकट एक कुएं पर स्थापित कर दिया। मां दुर्गा की मूर्ति को कुएं पर स्थापित करने के बाद स्वप्न देखकर गोपी ठाकुर ने पंचायत के गणमान्य लोगों से इस पर बात की और बाद में गांव के लोगों के प्रयास से मूर्ति को कुएं पर ही हटाकर गांव के दक्षिणी छोर पर स्थापित किया गया। बिहार के हाई स्कूल में प्रबंध समितियां हुई और मजबूत। हाल ही में शिक्षा विभाग की तरफ से विद्यालय प्रबंध समिति संबंधी संशोधित नियमावली की अधिसूचना जारी की गई, जिसके बाद यह वैसी चर्चाएं तेज हो गई हैं कि बिहार के राजकीयकृत और परियोजना माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षणिक वातावरण में सुधार लाने, अनुशासन बहाल रखने और शिक्षकों और कर्मियों पर समुचित नियंत्रण के लिए सीधे विद्यालय प्रबंध समितियां जवाबदेह होंगी। संशोधित नियमावली में विद्यालय प्रबंध समितियों के काम और उनकी शक्तियों का निर्धारण किया गया है, जो पहले की नियमावली में स्पष्ट नहीं है। लेकिन अब विद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए प्रबंध समितियों की भूमिका बढ़ाई गई है। अब विद्यालय में उपस्कर और अन्य सामग्रियों की खरीद का हिसाब विद्यालय प्रबंध समितियां रखेंगी। बिहार बोर्ड का इंटर का रिजल्ट जल्द ही होगा तैयार। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बिहार बोर्ड की तरफ से इंटर और मैट्रिक परीक्षाओं का रिजल्ट जल्द ही तैयार होने वाला है। इसको लेकर कवायद तेज कर दी गई है, क्योंकि राज्य बोर्ड की तरफ से इंटर रिजल्ट पूरा करने की दिशा में लगभग आधा काम पूरा हो गया है। वहीं शनिवार से मैट्रिक का रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, जिसके बाद ही अब ये उम्मीद की जा रही है कि राज्य बोर्ड की तरफ से इसी महीने इंटर परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। वहीं बिहार बोर्ड की तरफ से मैट्रिक की परीक्षा का रिजल्ट इस महीने के आखिर तक या अप्रैल महीने की शुरुआत में जारी होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। बिहार में नल जल योजना लक्ष्य प्राप्ति के करीब। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी नल जल योजना अब अपने लक्ष्य प्राप्ति के करीब पहुंच गई है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के मुताबिक जल्द ही बचे वार्डो का काम पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि वर्तमान में जो स्थिति है उसके अनुसार 1,659 को छोड़कर सभी वार्ड में घरों में नल का जल पहुंच गया है। राज्य में वार्डो की संख्या 1,17,200 बताई गई है। इनमें 4,200 वार्ड शहरी निकाय के हैं। पंचायती राज विभाग को 57,995 वार्ड के घर में नल जल पहुंचाने का जिम्मा दिया गया था। अब तक 57,603 वार्डो में काम पूरा हो गया है। वार्ड के हिसाब से देखें तो पंचायती राज विभाग के जिम्मे वाले सिर्फ 352 वार्ड में काम चल रहा है। उप मुख्यमंत्री की माने तो अगले वित्त वर्ष में पेयजल की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 1,001 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। पटना विश्वविद्यालय की हालत सुधारने के लिए बिहार सरकार ने खोला अपना खजाना। बिहार के सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में से एक पटना विश्वविद्यालय की हालत सुधारने के लिए बिहार सरकार ने एक अहम कदम उठाया है, जिसके तहत ही सरकार ने अब इस विश्वविद्यालय को नैक ग्रेडिंग में सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए खजाना खोल दिया है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इसकी जानकारी दी, जिसके तहत ही उन्होंने बताया कि राज्य के 8 विश्वविद्यालय और करीब 119 कॉलेज ने नैक ग्रेडिंग के लिए आवश्यक सूचना भेजी गई है, जिसके तहत ही पटना विश्वविद्यालय की ग्रेडिंग को और अपग्रेड करने के लिए वहां कई योजनाओं के लिए 125 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। महाबोधि मंदिर में अब 24 घंटे मौजूद रहेंगे 300 से ज्यादा जवान। तथागत की ज्ञान स्थली विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर की सुरक्षा अब और ज्यादा पुख्ता होने वाली है। इसको लेकर मंदिर परिसर में ही 24 घंटे 300 से अधिक पुलिसकर्मी मौजूद रहने वाले हैं। इसको लेकर मंदिर परिसर में विभिन्न वॉच टावर और मोर्चों पर तैनात पुलिसकर्मियों के अलावा जिनकी ड्यूटी खत्म हो जाएगी वो भी मंदिर परिसर में ही उपस्थित रहेंगे। इससे किसी विशेष स्थिति में तत्काल रूप से सभी पुलिसकर्मी मोर्चा संभाल सकेंगे और मुंहतोड़ जवाब दे सकेंगे। पुलिसकर्मियों के लिए मंदिर परिसर में ही सभी सुविधाओं से युक्त आवासन की व्यवस्था की गई है। पुलिस बैरक के रूप में नवनिर्मित भवन का लगभग पूरा हो चुका है और अगले कुछ ही दिनों में इसका इस्तेमाल होने लगेगा। बिहार के जैविक उत्पाद को मिला पुरस्कार।
बिहार के जैविक उत्पादों को विशिष्ट पुरस्कार मिला है, जो कि मुंबई के नेहरू सेंटर में आयोजित एग्रो और वर्ल्ड जैविक एक्सपो 2022 में दिया गया। आपको बता दें कि इस एग्रो और वर्ल्ड जैविक एक्सपो 2022 का आयोजन जैविक खेती को प्रोत्साहन के लिए दिया गया था। इसी में बिहार के जैविक कॉरिडोर योजना अंतर्गत जैविक अंगीकरण और प्रमाणीकरण से लाभान्वित 15 किसानों और पदाधिकारियों ने भाग लिया, जहां पर इन किसानों ने विशिष्ट जैविक उत्पादों को प्रदर्शित किया। ज्ञात हो इस अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो में विश्व के 7 देश, भारत के 13 राज्यों और जैविक खेती से जुड़े सैकड़ों संस्थान भाग लेने पहुंचे थे, जिसमें ही एक्सपो में बिहार के जैविक उत्पादों को श्रेष्ठ घोषित किया गया। आपदा कोष की निगरानी के लिए कमेटी का हुआ गठन। विभिन्न तरह की आपदाओं में दी जाने वाली राहत और अनुदान राशि की निगरानी के लिए बिहार में बीते दिन केंद्र और राज्य सरकार के माध्यम से कमेटी गठित की गई। खास बात यह है कि आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा गठित इस कमेटी में 7 विभागों के पदाधिकारी शामिल किए गए, जिसके बाद ही अब आपदा के दौरान विभिन्न परियोजनाओं के तहत कितने लाभों को अनुदान दिया गया है और कितने को दिया जाना है, इसकी निगरानी कमेटी करेगी। इसको लेकर हाल ही में विभाग की तरफ से अधिसूचना भी जारी की गई थी, जिसके तहत इस साल 2021 से लेकर के साल 2025-26 तक की सभी परियोजनाओं की निगरानी के लिए ये टीम कार्य करेगी। लोगों को अनुदान मिलने में देर नहीं हो, ये भी कमेटी अब सुनिश्चित कराएगी। विकास के साथ साथ बिहार में जरूरी है सुधार। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के बीच मौका मिलते ही सीएम नीतीश अपनी समाज सुधार यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा के तहत वो बीते दिन पूर्णिया पहुंचे थे, जहां उन्होंने जीविका दीदियों से संवाद स्थापित किया, जहां पर सभी जीविका दीदियों ने उनको अपनी बात भी कही और बड़े ही ध्यान से उनको सुना भी। उसके बाद ही उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, विभागीय मंत्री और अधिकारियों ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इसके बाद ही सीएम नीतीश कुमार ने जनता का भी संबोधन किया, साथ ही शराबबंदी समेत अन्य मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। इसके साथ ही आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर के खत्म होने के साथ ही बिहार के मुखिया नीतीश कुमार लगातार समाज सुधार अभियान पर लगे हुए हैं, जिसके बाद उन्हें अब जब भी समय मिलता है तो वो समय के साथ ही अपने समाज सुधार अभियान यात्रा पर भी निकल जाते हैं। उमेश कुशवाहा ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कानून व्यवस्था को लेकर इन दिनों विपक्ष के निशाने पर नीतीश सरकार लगातार देखने को मिल रही है। खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस मामले को लेकर सरकार पर हमलावर रहे हैं और विधानसभा में लगातार सवाल भी उठा रहे हैं। वहीं उनके इन सवालों पर जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि सदन में चिल्लाकर बोलने से जंगलराज के अत्याचार को बिहार की जनता कभी नहीं भूल सकती। उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि तेजस्वी को पहले 1990 के दशक को याद करना चाहिए और 1990 से 2005 के बीच मीडिया में छपी खबरों को पढ़कर आकलन करना चाहिए था और उसे सदन में रखना चाहिए था, लेकिन वो कड़वी सच्चाई से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए कांग्रेस ने की 8 और उम्मीदवारों के नाम की घोषणा। हाल ही में चुनाव आयोग की तरफ से बिहार विधान परिषद चुनाव की तारीख का ऐलान किया गया था। हालांकि इस चुनाव को लेकर अब तक लगभग सभी राजनीतिक दलों ने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा तो कर दी है, लेकिन कांग्रेस इसमें पीछे रही। लेकिन अब कांग्रेस भी तेजी से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर रहा है। इसी कड़ी में बीते दिन कांग्रेस ने 8 उम्मीदवारों की एक सूची जारी की है, जिसके तहत ही कांग्रेस ने कटिहार से सुनील कुमार यादव, पश्चिम चंपारण से मोहम्मद अफाक अहमद, मधुबनी से सुबोध मंडल, बेगूसराय खगड़िया से राजीव कुमार, सीतामढ़ी शिवहर से नूरी बेगम, सिवान से अशोक कुमार सिंह, मुजफ्फरपुर से अजय कुमार यादव, सारण से सुशांत कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया है। जगदानंद सिंह ने बिहार में अफसरशाही का लगाया आरोप। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने शनिवार को सीएम नीतीश के खिलाफ तीखी बयानबाजी की, जिसके तहत ही बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ज्ञान की कमी है और न ही वो पढ़ते लिखते हैं। वहीं नीतीश कुमार को कमजोर मुख्यमंत्री बताते हुए जगदानंद सिंह ने कहा कि अपने भ्रष्टाचारी अधिकारियों को साथ में रखकर नीतीश कुमार अपने कैबिनेट को सुपर कैबिनेट बनाते हैं। इसके साथ ही अफसरशाही को लेकर कहा कि जो सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं वो जनता की आवाज नहीं, नीतीश चुनिंदा अफसर को पार्टी में लेकर सुपर कैबिनेट बनाते हैं। राजद ने तेज किया अपना सदस्यता अभियान। देश के 26 राज्यों में राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता अभियान काफी तेजी से चल रहा है। राजद की सदस्यता ग्रहण करने का काम बिहार सहित अन्य राज्यों में भी बड़ी संख्या में हो रहा है। जानकारों की माने तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रही लोकप्रियता की वजह से राजद के प्रति देश भर के युवाओं का रुझान काफी तेजी से बढ़ रहा है और वो राजद से जुड़ रहे हैं। इसकी जानकारी खुद राजद के राष्ट्रीय सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी चित्रंजन गगन ने दी। उन्होंने ही बताया कि 30 जून 2022 तक सघन सदस्यता अभियान चलाया जाएगा और 13 अगस्त 2022 को सदस्यों की सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। 16 अगस्त से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो कि 11 अक्टूबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद पूरी हो जाएगी।
भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। रघुनाथ राव ने 1775 में पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त करने को लेकर अंग्रेजों के साथ सूरत की संधि पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर 1915 में पहली बार शांति निकेतन में मिले। भारत से ब्रिटिश सैनिकों को हटाए जाने का विरोध में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने 1947 में इसकी घोषणा की। बॉम्बे से इकोनॉमिक टाइम्स का 1947 में संपादन शुरू हुआ था। भारत का पहला वित्तीय डेली समाचार पत्र द इकोनॉमिक टाइम्स टाइम्स ऑफ इंडिया समूह द्वारा 1961 में बॉम्बे में लॉन्च हुआ। भारत ने 1990 में इंदिरा गांधी गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जीता। मुगल साम्राज्य का शासक बाबर के बेटे हुमायूं का 1508 में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में जन्म हुआ। महान गुजराती साहित्यकार महीपात्रो का 1928 में निधन हुआ। जडेजा का दोहरा शतक न होने पर राहुल द्रविड़ पर भड़के फैंस। भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ रविंद्र जडेजा के नाबाद 175 रनों की बदौलत अपनी पहली पारी 8 विकेट खोते हुए 574 रन पर घोषित कर दी। विराट कोहली के 100वें टेस्ट के मौके पर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत 96 रन बनाकर शतक से चूक गए, लेकिन जडेजा ने शतक जड़कर मोहाली टेस्ट को यादगार बना दिया। भारतीय टीम अपने बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन से मैच में मजबूत स्थिति में पहुंच गई है, लेकिन इसके बावजूद फैंस रविंद्र जडेजा के पहले इंटरनेशनल दोहरे शतक के चूकने का जिम्मेदार कोच राहुल द्रविड़ को बता रहे हैं। आलम कुछ यूं दिखा कि फैंस आग बबूला हो गए और कोच राहुल द्रविड़ को निशाने पर लेते देखे गए। एकदम चकाचक हुआ जीमेल। आपको जीमेल यूज करने का नया एक्सपीरियंस मिलने वाला है, क्योंकि लेटेस्ट जीमेल अपडेट लाइव हो गया है जो जीमेल के लुक को एकदम नया कर देगा। नया अपडेट जीमेल इनबॉक्स की उपस्थिति में भी एक बड़ा बदलाव लाएगा। गूगल ने आखिरकार इसे अपडेट को लाइव कर दिया है और कई उपयोगकर्ताओं को पहले ही अपडेट मिल चुका है। ये बदलाव कई गूगल प्रॉपर्टी पर आधारित है जिनमें गूगल चैट और गूगल मीट शामिल है। इसके लिए आपको जीमेल मैसेज ट्राई द न्यू जीमेल व्यू को स्वीकार करना होगा। दीपिका पादुकोण के एयरपोर्ट लुक को देखते ही ट्रोलर्स ने लिया निशाने पर। दीपिका को लोग आए दिन किसी न किसी बात पर ट्रोल करते ही रहते हैं। एक्ट्रेस को उनके नए एयरपोर्ट लुक के चलते फिर से ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा है। दरअसल दीपिका पादुकोण अपनी अपकमिंग फिल्म पठान के अगले स्केड्यूल की शूटिंग के लिए स्पेन रवाना हुई है। दीपिका के साथ ही शाहरुख खान और जॉन अब्राहिम को भी कुछ घंटे पहले ही मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था। सामने आए दीपिका पादुकोण के लेटेस्ट वीडियो को देखने के बाद ट्रोलर्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। एक शख्स ने इस वीडियो पर कॉमेंट किया, दीपिका का फैशन सेंस दिन ब दिन खराब ही होता जा रहा है। रांची रिम्स के डेंटल विभाग में पहुंचे लालू, डॉक्टरों ने बताया दांत का हाल। अपने दांत में दर्द से परेशान लालू यादव को बीते दिन जांच के लिए रिम्स में बुलाया गया, जिसके तहत ही बीते दिन रिम्स के पेइंग वार्ड्स में कड़ी सुरक्षा के बीच लालू प्रसाद को डेंटल विभाग लाया गया। करीब आधे घंटे तक डॉक्टरों ने उनके दांत की जांच की। डॉक्टरों के अनुसार लालू यादव को दर्द से आराम है। लालू यादव के दांत की जांच कर रहे वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अजय शाही ने बताया कि दांतों का आरसीटी कराने के बाद रेगुलर रूटीन जांच किया जाता है। इसी को लेकर लालू प्रसाद को आज डेंटल विभाग लाया गया था। उन्होंने बताया कि दांत में कैप लगाने के लिए सोमवार को फिर से जांच की जाएगी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है शाहजहां खातून, शंकर मुखिया, विमल सिंह, कुंदन साजवान, लालू कुमार, फैजान खान, प्रिंस कुमार, नीतीश कुमार, ब्रजकिशोर शाह, पूजा कुमारी, खुशबू क्रिएशन। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार रोहित शर्मा का रविन्द्र जडेजा के 200 रन पूरा होने से पहले पारी घोषित करने का फैसला सही था या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।